थोड़ा सा मन थोड़ा सा अजीब ही रहा। मैं गाड़ियां नई नई गाड़ियां ली हूं, उनको रैप कराया, मॉडिफाई कराया। जब तक हम गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा। बस ऐसे ऐसे करने में निकल गया भैया। कुछ अच्छी बात आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, शायद आप लोगों में से बहुत से लोग इस बात से सहमत होंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? भैया आज तो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं रात के 9:15। अब पूछोगे रात में क्या ऐसा हो गया जो रात में ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, दिन भर कहाँ गायब थे? तो भैया कल नहीं, आज अर्ली मॉर्निंग यानी लगभग 4:30 बजे थोड़ा ऐसा लगा जैसे हमें बुखार ने पकड़ना शुरू कर दिया है। तो हम तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। दया फटाक से हमने डोलो खाली, उठ के लगभग 5 बजे एक बिस्कुट खाया, थोड़ा सा पानी गुनगुनाया सोनिया ने, और हमने फटाफट से डोलो खा ली। तो थोड़ा सा मन थोड़ा सा अजीब ही रहा, मतलब बुखार उतना चढ़ तो नहीं पाया लेकिन थोड़ा सा ठंडा रहा। बीच में लग रहा था जैसे फिर पकड़ लेगा। थर्मामीटर चेक किया था यार, वही 98 पॉइंट समथिंग रहता है। जो मतलब एक होता है बुखार आ जाना, एक होता है अंदर से फील होना, जिसे कई लोग हरारत भी कहते हैं। अरे देखो बुखार की हल्की हल्की अंदर से हरारत लग रही है, फील लग रही है, गर्माहट लग रही है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बयां करते हैं, मतलब बताते हैं। तो वही हो रहा था, हमने कहा यार दो लोग खा के फटाफट से लेट जाते तो आज नींद भी फिर वो ढंग से नहीं आ रही थी। एक नींद हुई होगी फिर सुबह खुल गई होगी, क्योंकि जब बुखार चढ़ने लगता है ना तो बॉडी थोड़ी सी टूटने लगती है, हल्का हल्का ऐसा था दर्द महसूस होने लगता है, तो उससे नींद खुल जाती है। नींद खुल गई तो उसके बाद फिर लगे बेचैनी, लगे बेचैनी। अब पहले तो लगा कि बाहर ठंडा ज्यादा ही है, ज्यादा ही ठंड लगा दी, लेकिन जब बाहर इतना ठंडा हो और आपको फीवर आ रहा तो वो गर्माहट और सर्द जब मिलता है ना तो और ज्यादा कपकपाहट लगती है, शिवरिंग टाइप होने लग जाती है। वही चीज हो रही थी, मैं समझ गया यार गड़बड़ है भाई। डोलो खा ली, उसके बाद लेटने की सोने की कुछ मतलब सोने की कोशिश की लेकिन नींद उस तरह से आई नहीं, कहीं टूट रही है। फिर सुबह का वो कहाँ 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 अगल बगल का सब चालू हो जाता है, जो सुबह का माहौल स्टार्ट हो जाता है, कहीं कुछ कबूतर चह चह कर रहे हैं, कहीं कुछ सामने है, ये सब हो जाता है। तो फिर उससे ज्यादा नींद ढंग से आई नहीं, तो मतलब दिमाग उस तरह से शांत हो नहीं पाया। लेटे रहे लेटे रहे लेटे रहे, सोनिया ने उठ के जल्दी चाय वाय बनाई, ब्रेड सेक दिए थे तो ब्रेड बटर खाया, ज्यादा खाया जाता नहीं, मन अजीब सा हो जाता है। लेटा रहा लेटा रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये लग रहा था एक बार एक और तगड़ी नींद हो जाए, अच्छे से नींद हो जाए, लेकिन वो कहाँ आती। लेकिन ठीक है, बुखार ज्यादा चढ़ नहीं पाया लेकिन अंदर वो बना रहा एक कांस्टेंट लेवल पे। ऐसे ही आज दिन पूरा ऐसे गया। फिर थोड़ा सा उठे, लगभग 12-1 बजे उठा मैं, मतलब नींद तो एक साइड हो गई थी लेकिन उससे हाँ थोड़ा रिलैक्स पड़ गया था, लेकिन वो उतना सफिशियंट नहीं थी। उसके बाद लगभग 1 बजे 12:30 1 बजे उठे होंगे, हल्का फुल्का सोचा कि नहाया जाए कि ना नहाया जाए। सुनिए कहा यार काहे नहा रहे हो, फालतू में दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेशनेस फील हो, ऐसा लग रहा है मरीज हो गए हो। तो भैया थोड़ा सा उठा गीजर इधर, तो सुनिए ने वो नहीं कर रखा था, हल्का सा थोड़ा सा मुँह हाथ धोया, ब्रशेस किया, कपड़े वपड़े चेंज किए, थोड़ा गीले कपड़ों से ऐसे अपनी मतलब बॉडी वगैरह देह वगैरह पोंछ ली, क्योंकि ज़्यादा नहाते गर्म पानी से नहाओ तो बाहर निकलो भी ठंडी ठंडा इन्वायरमेंट रहता ना तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने नहाया नहीं, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, आराम से गया। बढ़िया फिर रजाई में घुस गया, चाय मिल गई, हल्का फुल्का खाना खाया, मतलब वही खिचड़ी बना ली थी सोनिया ने, तो वही हल्का फुल्का खाया। कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था, लग रहा था कुछ मसालेदार मिल जाए, तो सोनिया ने कहा मसालेदार खाना तो फायदा क्या हुआ, अभी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आज उस तरह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया। मैंने कहा क्या बोलूँ, क्या बताऊँ आप लोगों के, बीमार हूँ या नहीं हूँ, ये हो ये वो। तो मैंने सोनिया ने कहा कि कहीं बाहर चलोगे तो थोड़ा सा मन अच्छा होगा, क्योंकि मन में अजीब सा बेचैनी जैसा लग रहा था, वो बुखार में बाहर में वो लगता ही लगता है। तो सोनिया बोला चलो बाहर चलते हैं ये वो, मैंने कहा यार नहीं अमन नहीं, फिर कहा थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा बाहर की हवा लगेगी, हवा इन द सेंस मतलब थोड़ा सा माहौल बदलेगा, मतलब लेटे लेटे ये रहता है ना बीमार और होने लगता है, तो थोड़ा सा बाहर मन चेंज होगा। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, थोड़ा सा इधर आगे गए, पैन ओढ़ लिया था सब, मैंने कहा चलो ब्लॉक करो। फिर बोला कि हाँ तो भाई ऐसे दर्द हो रहा था जरा सा, मतलब उठाया कमरा दर्द होने लग गया तो मैंने रख दिया, क्योंकि उस तरह से अंदर से फील नहीं आ रहा था। मैंने कहा क्या है, जबरदस्ती थोड़ी ना करना है, अभी तो फिर भी बोल पा रहा हूँ, अगर दोपहर में दिन में सुबह देखते तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है। फिलहाल उठ गए, फिर गए, फिर यहाँ एक बाहर एक मार्केट है वहां गए द्वारका की, वहां सोने ने कहा चलो थोड़ा बहुत कुछ देख लेते हैं, कुछ खाओगे? मैंने कहा नहीं यार खाने का भी कुछ मन नहीं है, पहले सोचा कि गोलगप्पे खाए जाए थोड़ा सा, क्योंकि चटपटा खाने का मन होता है ना जब आप बीमार हो तो आपको लगता है सब कुछ चटपटा मिले, सब तीखा तीखा, लेकिन नहीं। फिर मैंने निकाला, सोनिया ने ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया कि नहीं रहने दो,
थोड़े बहुत एक दो चीजें थे कि हमें काफी दिन से सोनिया बोल रही थी कुछ विंटर क्लॉथ ले आते हैं, कुछ हाईनेक इनर वगैरह ले आते हैं, क्योंकि कहीं निकलना पड़ जाएगा ठंड में तो दिक्कत हो जाएगी। चलो देखें, वही सब चीजें थोड़ा थोड़ा शॉपिंग करी, मतलब वही फिर एक मॉल गए, वहाँ पे थोड़ा सा खाया पिया हल्का फुल्का, और फिर हल्का चाय पी के अपना आराम से वापस आ गए। तो थोड़ा बहुत शॉपिंग किए थे, एक दो शॉर्ट शर्ट लिए, कुछ लोवर लेने थे, इनर लेने थे, इनर तो लिए नहीं, कोई समझ ही नहीं आया। मैंने कहा चलो यार ऑनलाइन देखेंगे या फिर यहाँ ये लोकल से कुछ उठा लेंगे, तो बस ऐसे ही था। फिर आके अपना लेट गया मैं, फिर लेटा रहा लेटा रहा लेटा रहा, ऐसे भी लेटे लेटे हुए सोनिया भी घर गई, उधर से आते हुए कुछ दवा भी ले आई। मैंने कहा रहना तो डोलो से इफेक्ट पड़ जाता, अगर आज भी रात में डोलो खा के शांति नहीं मिलती है तो कल फिर आराम से डॉक्टर को दिखा लेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या। बोला नहीं मैं ले आती हूँ इनकेस मान लो रात में ज़्यादा तेज बुखार आ गया ये वो ये। मैंने कहा चलो ठीक है ले आना, तो ये तो वो आधा पौन घंटे में आ जाएगी, और अभी खाने में या तो देखेंगे हल्की सी दाल या रोटी बनाएंगे, वैसे तो बुखार में रोटी नहीं खाते हैं लेकिन इतना भी नहीं होता, क्योंकि दिन में तो खिचड़ी खाई थी और रात में चावल तो खाएंगे नहीं, तो वही हल्का बोल कुछ देखेंगे तो ब्रेड का कुछ सैंडविच वगैरह ऐसा बन जाएगा वही खा लूंगा। फिलहाल अभी बैठा था ऐसे बस इंस्टाग्राम ब्राउज कर रहा था, तो एक ऐसी एक न्यूज़ भी देखी कि उसमें कल गुड़गांव में एक जो सोना रोड वाला फ्लाईओवर है वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया किसी स्कॉर्पियो गाड़ी का, और कुछ यंगस्टर थे जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और किसी का बर्थडे था, किसी लड़की का बर्थडे था, तो उस चक्कर में वो रात में बर्थडे के सेलिब्रेट के चक्कर में वो पार्टी प्री पार्टी होती है ना कि रात में बर्थडे है तो अभी से स्टार्ट हो जाएगा शाम से इवनिंग से ही, वो एक्सीडेंट हो गया गाड़ी पलट गई उसमें किसी एक बंदे की जान चली गई। तो मैं बस वही देखा, मैंने कहा अरे यार ये क्या चल रहा है, तो फिर वो न्यूज़ ऐसे देखता लेटा था तो आगे देखता रहा, आरएनडी करता रहा, सुनता रहा न्यूज़, उसमें बता रहे हैं कि ये सब वो सब। तो मैं ये चीज़ मैं ये कहूँगा कि यार देखो आज के टाइम पता नहीं कैसा चीज़ होगी, हर किसी को सुपर बाइक्स देखनी है, किसी को एकदम थार फॉर्च्यूनर सफारी और ये स्कॉर्पियो सब देखना है, फिर भाई लोगों को उसको पूरा रैप करवा करके शीशे जेट ब्लैक करवा करके सब कुछ एकदम टशन वाले काम करवा करके सब चीज़ें उस तरह से, फिर उसकी रील भी बनानी है आपको, फिर एकदम से लहरा लहरा के गाड़ी भी दिखानी है, एकदम हाई बीम भी दिखानी है, जैसे क्या होता है ये सब। जो ये यूथ है ना आजकल की जो जनरेशन है ना पगलाई जा रही है, बिल्कुल पगलाई जा रही है, एकदम अंधभक्त, मतलब अंधभक्त वो वाली बात हो गई, मतलब अंधी हो गई है कि मतलब उसको लगता है कि यही सब मतलब फन है, यही इसी में बस भोकाल है, इसी में सब रौला है, और कहते हैं ना एकदम अपना पूरा रवैया वो सब चीज है यार जो समझ जो है। और उसमें देखो यार कितने लोग ऐसे इंसिडेंट आते हैं, कोई रेस करते हुए उड़ जा रहा है, कोई गाड़ी भगा दे रहा है, कोई किसी को चढ़ा दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है यार। यार क्यों करते हो यार ऐसे, मतलब अच्छी खासी गाड़ी को अच्छी खासी गाड़ी रहने दो यार, आपको देख करके लोग इंस्पायर होते हैं या इंस्पायर नहीं होते तो देख करके सोचते हैं यार मैं भी करूंगा ये सब चीजें हो जाती है, देखते रहे इंस्पायर ही कहोगे है ना, वही चीज जाती है, कोई टशन में करने लग जाता है, अरे वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई, वो करते गा मैं भी करूंगा, ये सब चीजें हो जाती है, फिर वहाँ कंपटीशन आ जाती है कि उसने ऐसा करा तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो वो ऐसा करेगा, तो बहुत सारी चीजें चलती जाती है, उसमें देखो हादसे हो जाते हैं। बताओ कल क्या फायदा था उतना गाड़ी तेज करके भगाने का, क्या बोला एक बंदे की जान चली गई, सब घायल भी हो गए, बर्थडे की तो ऐसी तैसी हो गई, और वो लाइफ टाइम एक पूरा शौक वो होता है ना एक फ्लैश बैक रहेगा जिंदगी भर का शौक, हर जब भी बर्थडे आएगा आजीवन उस बंदी को वो चीज याद रहेगी, क्योंकि उस लड़की का बर्थडे था और दो लड़की थी और शायद तीन लड़के थे स्कॉर्पियो में, पूरी जेट ब्लैक कर रखी थी भाई, क्यों यार क्यों, जब बैन है तो करना क्यों भाई, इस तरह की चौड़ दिखाने की जरूरत क्या है यार, तुम करते हो तुमको देख के 10 लोग और सोचते हैं करवाने को, मैं भी सोचता था कि यार जेट ब्लैक ला रहे अच्छे से करा लेते करा लेते, देखो ये नेचुरल है लेकिन इस चीज को कंट्रोल भी तो करो, मैंने नहीं कराया, समझता हूँ मैं ये सब चीजें गैर कानूनी है, पहली चीज तो इलीगल है, लीगल तो है ही नहीं जो मैं सोचूं कि हाँ चलो कराते तो मैं भी कराऊं, और दूसरा इसका कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ये सब कराना दूसरे को और इंस्पायर करना, यहाँ तुम भी ये वो देखेगा ये करना वो सब करना, जब इंस्टाग्राम खोलो फेसबुक खोलो कुछ खोलो तो बस ऐसी रीलें भरी पड़ी हैं कि उनमें गाड़ियां नई नई गाड़ियां ली हैं, उनको रैप कराया मॉडिफाई कराया, लो भाई निकल के सड़क पे अपनी रील बनाने के लिए सब करने के लिए, चार चार फॉर्च्यूनर इधर दो दो थार इधर आधी आधी, क्या है बताऊं यार, मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा यार आप लोग भी तो सोचो ना कहीं गलती तो है, मतलब क्या फायदा है सब चीजों करने का यार, अच्छी खासी जनरेशन है यार रोज लगी जा रही है, वो एकदम ऐसे भागने में लगी हुई है कि बाइक तो भगाना है, गाड़ियां तो भगाना है, सब चीज भगाने में लगे हुए हैं, उसी में सब हादसे आया था। तो देखो यार घर पे भी तो लोग हैं यार, उनकी भी तो चिंता किया करो यार, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप हैं, जो भी तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं, वो यार क्या सोचते हैं कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, एकदम से अचानक से न्यूज आ जाए यार तो आदमी क्या करेगा यार, जिन लोगों ने अपनों को खोया होगा ऐसे हादसों में, जिन्होंने अपनों को खोया होगा उनको पता होगा कैसा लगता है उसके बाद, वही चीज है ना कि
कोई समझता ही नहीं आजकल। मुझे तो ये लगता है कि लोग पता नहीं क्यों ये सब चीजें करते हैं, भर भर के भर भर के। उसी चीज को सपोर्ट भी मिल रहा है, वही चीजें हो भी रही है, और उसी का रिजल्ट भी आ रहा है, मतलब वही चल रहा है। मैं भी सुने तो वही बोला था, सुनिए बोली थी, पता नहीं ऐसी हद पार करी क्यों जाती है। मतलब अब वो चीज देख लो, सरकार अपनी तरफ सब कुछ करती है, पुलिस डिपार्टमेंट सब कुछ करता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट सब कुछ करता है, कैमरे हैं, स्पीड कैमरे हैं, गाड़ियां हैं, सब पेट्रोलिंग है, लेकिन भाई आपको स्पेशली वहां पर बैठे थोड़ी ना होंगे आपको देखने के लिए कि आप इतना स्पीड ना तेज कर दो, आप ये ना कर दो, वो ना कर दो। अपने से किसी दूसरे को भी दिक्कत ना हो, पहले सबसे बड़ी सोच तो ये रहनी चाहिए कि मेरी वजह से किसी को दिक्कत ना हो सड़क पर या कहीं पर। अगर आप गाड़ी चलाते हो, बाइक या फोर व्हीलर, मतलब टू व्हीलर या फोर व्हीलर, अरे सिक्स व्हीलर यार, ट्रक भी गिन लो यार। आजकल तो ट्रक वाले भी रील बनाने लग गए हैं, देखी है मैंने। खैर मैं तो ज्ञान नहीं देना चाहता, लेकिन यार मैं इतना कहता हूँ, देखो बाइक मेरे पास भी है, गाड़ी मेरे पास भी है, मैं भी कभी कभी गाड़ी तेज चला देता हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगल बगल रोड खाली है। अब जैसे मान लो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं, तो वहां मैं गाड़ी तेज चला लेता हूँ, तो तेज चलाने मतलब मैं 160 नहीं पहुंचता, मैं 110, 119, 120 भी नहीं रखता, 119 रखता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अलर्ट बोलना चालू, चाहे तो मैं 120 के ऊपर बढ़ा सकता हूँ, अलर्ट तो बंद कर दूंगा मैं, लेकिन नहीं यार, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है इतना भगाने की। इन केस मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया कि वहां पे कहीं ना कहीं लोमड़ी निकल आती है यार, वो इतना इतना मतलब सेफ्टी पर्पज से इतना नहीं देखा गया यार वहां पे, कि वो कोई एक बकरी निकल आ रही है, कोई गाय बैठी, मैंने खुद देखा, मैंने बोला भी है ब्लॉग में कि यार जब सेफ्टी के लिए बनाना ही था तो इसको पूरा तरह से पैक करते, जालियां लगाते, वो बकरी नीचे से आकर के वो सड़क क्रॉस कर रही है, वो लोमड़ी निकल रही है, उधर वो गाय बैठी हुई है, उधर उसका बछड़ा बैठा हुआ है। तो फिर मान लो एक मिनट सामने आ जाए, आप तो गए, वो तो जाएगा ही जाएगा, आप तो गए, आप तो पक्का जाओगे, वो तो मान लो चलो वो कर पार भी कर जाए, आप तो इधर मोड़ने चक्कर में डिवाइडर घुस जाओगे, कहीं इधर निकल जाओगे। तो क्यों यार अपनी जान से, किसी दूसरे की जान से खेलना यार। मेरा बस यही कहना है, किसी को दिक्कत ना हो और खुद को भी दिक्कत मत दो। आप निकल लोगे, आपका पीछे परिवार आप जिंदगी भर सफर करता रहेगा, सोचिए इस बात को यार। ये सब चीजें देख करके वो सब चीजें, ना तो ऐसी चीजों को बढ़ावा दीजिए, ना खुद बढ़ाइए आगे। मैं तो यही कहूंगा, अच्छी लगती है ठीक है, देखो और छोड़ दो उसको। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे लोग एकदम संभल के सीधे बउआ बन जाएंगे, सब एकदम वो हो जाएंगे, नहीं होगा इतना जल्दी, लेकिन बढ़ाइए तो मत। आपको अच्छी लगी तो आप किसी दूसरे को बताओ मत, उसको प्रेज मत करो, लेट इट बी, वहीं छोड़ दो, ठीक है, देखिए अच्छी लगी, खत्म बात। ये तो नहीं कि आपने मन में, अरे यार ये चीज़ तो मैं भी कराऊंगा, ये तो मुझे भी करनी चाहिए, नहीं ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल, आराम से यार। बहुत सब चीजें, लाइफ बहुत बड़ी यार, ये सब बीसी करने के लिए थोड़ी ना यार, कि तुमने गाड़ी रैप करा के तब घूमने लग गए बस चीजें। यार गाड़ी चलाओ यार, अच्छे से चलाओ यार, ये थोड़ी ना कितने दिन तक चपड़े निब्बा वाली हरकतें करते रहोगे यार, फायदा क्या हुआ। और फिर आपको कैसा लगता है कि आपको देख करके कोई ऐसी हरकतें करे और वो निपट जाए, यार ब्लेम तो एक्चुअली आप पे जाना चाहिए ना फिर, कि आपकी वजह से वो इंस्पायर हुआ, भले उसकी गलती कुछ भी हो, क्या भी करा हो उसने, कहीं ना कहीं उसके इंस्पिरेशन आप ही होगे। क्या फायदा है यार, इतनी अच्छी जिंदगी यार चलाओ, मौज करो, ये सब क्या है। वो था वो बंदा, उसकी इज्जत होगी, वो उसका फैमिली सफर करेगा, क्या मिला, कुछ मिला, नथिंग, जीरो रिजल्ट है, लेकिन फैमिली सफर करेगी। वो भाई या शायद वो बंदा ही है, कोई लड़की नहीं है, शायद वो लड़का ही है, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, क्योंकि वो गाड़ी में ही जो बैठा था वही जिसकी डेथ हुई, क्योंकि वहां पे एक मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई थी, तो मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है कि उस स्कॉर्पियो ने उस मोटरसाइकिल वाले को उड़ाया होगा और खुद पलट गई, तो मोटरसाइकिल वाला बेचारा जबरदस्ती में निकल गया, अगर वो गया है तो बताओ, सोचो उसके परिवार हुआ, हो सकता अकेले कमाने वाला हो, लेकिन नहीं, भाई लोगों को तो बस पता नहीं क्या हो जाता। भैया लड़कियों को यही सब पसंद आता है क्या, लड़कियां इस चीजों को मना नहीं कर सकती, अगर वो गाड़ी में बैठी थी क्या मना नहीं कर सकती, और हो सकता है शायद 1% में मान भी लो कि उन्होंने मना किया हो, वो लड़का नहीं सुना होगा, उसने लगा नहीं भाई अब तो रौला है, जब तक गाड़ी का स्टेयरिंग ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा, बस ऐसे ऐसे करने में निकल गए भैया, क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ यार। मुझे तो कहीं समझ में नहीं आता, और कहीं ना कहीं मुझे तो ये समझ में आता कि गाड़ी के शीशे जेड लैग हो कैसे जाते हैं। अरे मैंने दिल्ली में देखे हैं यार, दिल्ली की गाड़ी के देखे हैं, मैं वही मैंने सुनील कहा यार ये क्या चल रहा है, ये जेड जेड ब्लैक कैसे कर रखा है। कल की बात है, कल के ब्लॉग में मैंने आपको किया एक सेल्टोस वाली बात करी है, अब नंबर नहीं ध्यान आ रहा है, और ना ही शायद मैंने उसको ब्लॉग में लिया है, उसके भी शीशे जेड ब्लैक थे। अरे यार दिल्ली NCR की गाड़ी होगी, ज्यादा नहीं होगी, अचार की गाड़ी थी, इतना तो पक्का है शायद अचार की गाड़ी होगी, दिल्ली की तो नहीं होगी लेकिन अचार की तो पक्का थी, लेकिन भाई उल्टा सीधा चला रहे थे और यहाँ पीछे तक आया भी था जहां मैं था, लेकिन वही चीज है ना,
आज का दिन ऐसे ही वो भी मेरे दिन भर ये सब बातें दिन भर चलती रहती हैं। कहीं कहीं जो लोग समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं, जो लोग नहीं समझदार होते वो नहीं समझते। क्या फायदा था ये सब करने का, कोई फायदा नहीं था। और ऐसी कई घटनाएं नजर आती हैं, कहीं बाइक राइडर है, बाइक राइडर भी मतलब 230 290 299 पहुंच करके पता नहीं ऐसा क्या फलातून बन जाते हैं कि उसको देख करके बाकी लोग भी। मेरे यहीं आसपास मैंने कितने यंग जनरेशन को देखा है, मुश्किल से एज 15-16 साल की होगी, स्कूटी तो ऐसे भगाते हैं भाई साहब पूछो मत। राह राह में चलता हुआ आदमी हड़बड़ा जाता है कि भैया आजकल रास्ते में निकलने में डर होता है कोई गाड़ी लेके चला ना आता भाई तूफान बन करके। बीएमडब्ल्यू आगे तो छोड़ दो, बीएमडब्ल्यू या सुपर कार्स या प्रीमियम कार्स को तो छोड़ ही दो, उनके तो अलग ही हैं। लेकिन आजकल ये जो जनरेशन निकली ना, ये केटीएम ये लेकर के स्कूटी वगैरह, यार स्कूटी भी नहीं छोड़ते यार, जबकि स्कूटी भी छोड़े भाई कब कहीं स्किड हो जाए। नहीं सूतम साथ पड़े हैं भैया, लगे बड़े खींचने में भैया, पता नहीं क्या होगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी न्यूज़ हैं। मैं तो कल का एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, ऐसी तो बहुत सारी न्यूज़ हैं यार। प्लीज यार इन चीजों को मत सपोर्ट करो, मत इनको इनको प्रेस करो, इनको रोको यार, मतलब इनको रोको खत्म करो। ये सब चीजें बढ़ावे में नहीं आनी चाहिए, इनको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। ना किसी को परेशानी दो, ना खुद परेशानी में पड़ो, ना अपने परिवार को परेशानी दे करके जाओ। बस मुझे तो ये कहना था, मैंने सोचा चलो कुछ आपको आज व्लॉग में दिखा नहीं सकता, लेकिन कुछ अच्छी बात आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। शायद आप लोग में से बहुत से लोग इस बात से सहमत होंगे, सहमत हैं, मैं ये नहीं कहूंगा सहमत हैं तो कमेंट में करके आप बताएं हाँ या ना। मैं यही कहूंगा भैया कि इस चीज को सहमत है तो इस चीज को आगे बढ़ाएं, कि ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी चीजों को बढ़ावा ना मिले, ना ही ऐसी चीजें कोई अपनाए, यूथ हो या कोई बड़ा हो। शौक देखो होता है, एक एज होती है हर चीज की, लेकिन यार आजकल चीजें ना बहुत एक्सट्रीम हो गई हैं। हम भी अपनी एज में थे, बाइके वाइके थे करी, लेकिन आजकल देखते हैं ना तो भैया गाड़ियां तो स्कूटी बाइक सब सब भागने में लगे हुए हैं, सब भागने में लगे हुए हैं भाई। सोनिया भी यही कहती है कि मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो नुकसान तो होता ही है, गाड़ी वाड़ी तो चलो आ जाती है, चली जाती है, बन जाती है, बिगड़ती है वो, लेकिन जब एक किसी की जान चली जाए तो यार वो वापस नहीं आती, चाहे सामने वाले की हो या खुद की। बस ये दिमाग में रख के चलिए, अपनी वजह से दूसरे को हार्म मत पहुंचाइए। बस तो आज ऐसा ही मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करूँ ये बात, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात आगे बढ़ के जाए, लोगों तक पहुंचे। शायद 100 में से 10 लोग तो समझना सरल है, तो 10 लोग भी आ गए, 10 को समझाएंगे तो एक चेन तो बनेगी। तो यार सपोर्ट करो इस चीज को, आगे बढ़ाओ इस चीज को, ये सब ना हो यार, मतलब मेरी बात को आगे बढ़ाओ। ये सब चीजें नहीं, मैं इन चीजों को तो रोकना चाहता हूँ कि ये सब चीजें रुके यार। आप इंजॉय करें, लेकिन इंजॉय को इस तरह से ना प्रेस करें कि वो इंजॉयमेंट किसी के लिए जानलेवा साबित हो जाए, है ना। वही चीज है, बाकी आप लोग समझदार हो यार, आप लोग भी समझो।